All right. Good evening, everyone. मेरा नाम अंकुर रलहन एंड आई होप अगर आप में से सब लोगों को पॉसिबल है तो अपना कैमरा ऑन रखें, तो क्या है कि इंट्रैक्शन और आंखों में देख के बात करने में ज़्यादा आनंद मिलता है, मज़ा आता है, राइट? इफ इट इज पॉसिबल. एंड आप लोगों का आज वेलकम है यहाँ पे आज के इस सेशन में, जहाँ पर आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ की चीज़ें अबाउट गट रीसेट एंड ऑल. सो ऐसा करते हैं कि आप शायद वही पर्सपेक्टिव से और वही पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर आज प्लग्ड इन है ना. मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर बुक और पेन लेकर भी बैठेंगे साथ में, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, कुछ सवाल आप नोट कर सकते हैं जो मुझे आप बाद में पूछ सकते हैं. एक 25 मिनट के आसपास मैं आप लोगों से बात करूंगा, 25 मिनट्स, और 25 मिनट खत्म होने के बाद में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको हम लेंगे और उसको हम पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझे कुछ सवाल एंड हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द शो. ऑलराइट, सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे प्लग्ड इन हुए हैं गट रीसेट के बारे में, राइट? सो मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, आप चैट के माध्यम से मुझे आंसर दे सकते हैं कि आप आज यहाँ पर क्यों प्लग हुए हैं, आपका क्या पर्पस है? कैन यू रिप्लाई प्लीज इफ इट इज पॉसिबल चैट के माध्यम से कि व्हाई आर यू हेयर? आप यहाँ पर क्यों प्लग्ड इन हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से आप यहाँ पर प्लग्ड इन हैं? किसी ने कहा आना ही पड़ेगा आपको, इसलिए आप आए, राइट? टू गेन वेट, ओके, आप वेट गेन करना चाहते हैं. टू डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ओके, ग्रेट. उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यस. ये बहुत सही बात की रुचिका जी आपने कि एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है, हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं अच्छा खाता हूँ, लेकिन एक हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप होना बहुत जरूरी है. वेरी नाइस, ओके. गट रीसेट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, ओके, थैंक यू गीता जी. डेफिनेटली आपको मिलेगी आज यहाँ पे गट रीसेट के बारे में इंफॉर्मेशन, राइट? सो हम सब कोई ना कोई मकसद या कोई ना कोई पर्पस से आज यहाँ पर प्लग्ड इन है. कोई शायद वेट गेन करना चाहता है, कोई वेट लूज करना चाहता है, कोई शायद अपने और कोई चैलेंज है शारीरिक तो उसे वो सॉल्व करना चाहता है. किसी ना किसी पर्पस से, किसी ना किसी कारण से हम सब लोग आज यहाँ पे प्लग इन हैं, ओके. या अशुमा जी ने कहा अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड फॉलो एंड हेल्प पीपल थ्रू इट, ओके, ग्रेट. आप लोगों की मदद करना चाहते हैं ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से, वेरी नाइस. नोइंग मोर अबाउट गट रीसेट एंड वेट मैनेजमेंट, ओके नीलिमा जी, डेफिनेटली आपको मिलेगा यहाँ पे वेट मैनेजमेंट. सीमा जी ने कहा गट रीसेट के मोर नॉलेज लेना चाहती हूँ, हेल्दी लाइफ को इंक्रीज करना चाहती हूँ, यस. या ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम यहाँ पर ध्यान केंद्रित करें इस बात के ऊपर. एक होता है लंबे समय तक जीना और दूसरा होता है लंबे समय तक सेहतमंद तरीके से जीना, राइट? तो ये दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है. सो गट रीसेट का जो प्रोग्राम है जिसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे चीजों के बारे में, इसका जो पर्पस है वो लंबे समय तक कैसे हम अपने आप को सेहतमंद तरीके से जी सकते हैं, हम कैसे एक लॉन्ग लाइफ हेल्दी तरीके से हम जी सकते हैं, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. यस संगीता जी, डेफिनेटली नॉलेज ऑलवेज हेल्प्स, जानकारी हमेशा हेल्प करती है, हमें भी हेल्प करती है, हमारे पहचान वालों को भी हेल्प करती है, डेफिनेटली, राइट? चलिए, सो सबसे पहली चीज शुरू करेंगे ये समझकर कि व्हाट इज गट, गट होता क्या है. आई होप सबको पता होगा हमारा ये बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे हैं, और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं, यहाँ से जब आप खाना शुरू करते हैं, खाना खा के जब गले से आपके जो फूड पाइप है वहां से होके स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, सो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके जब वो खाना हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में स्टूल के रूप में बाहर निकलता है, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसे कहते हैं गट, राइट? हिंदी में कहेंगे आंत, हमारी आंतड़ियां, ओके.
आपने पिक्चरों में देखा होगा, आंतड़ियां निकाल दूंगा तेरी, राइट। सो आंत जो है ये है गट, और ये हमारी हम सबकी हेल्थ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसे रीसेट करना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड एग्जैक्टली व्हाट इज इट। आप सबने देखा होगा कि आपके जो मोबाइल हैं या लैपटॉप्स हैं, कभी कभी ना वो हैंग हो जाते हैं, बीच में अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, काम नहीं कर पाते सही तरीके से। सो हम क्या करते हैं, हम उसे रीस्टार्ट करते हैं या फिर हम उसे रीसेट करते हैं, राइट। आप डेटा को पूरा डिलीट कर देते हैं, फिर वापस से एक नया फोन, नया स्पीड आना शुरू हो जाता है। सो जिस प्रकार से हम हमारे मोबाइल और लैपटॉप्स को रीसेट करते हैं समय समय पर, वैसे ही हमें हमारे गट को भी रीसेट करना होता है टाइम टू टाइम। क्यों? बिकॉज आप जो दिन भर में खाना खाते हैं, जिस प्रकार की आप मानसिकता से गुजरते हैं, जिस प्रकार के स्ट्रेस से गुजरते हैं, जिस प्रकार के विचार और थॉट्स दिन भर में आपके उत्पन्न होते रहते हैं, है ना, अगर वो पॉजिटिव है बहुत बढ़िया है, अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे आपके बॉडी में। अगर आप खाना जो है वो रॉन्ग खा रहे हैं तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा आपके बॉडी में, और ये जो पॉल्यूटेड चीजें होती हैं जो आपके शरीर में होंगी या फिर जो थॉट प्रोसेस में डेवलप होता है, ये सब चीजें बेसिकली घूम फिर कर क्या करती हैं, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स डेवलप करती हैं, गट में टॉक्सिन्स डेवलप करती हैं, और इन टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना ये इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं और मेरी फैमिली हम 6 से 7 महीने में ये 10-12 दिन का जो गट रिसेट का प्रोग्राम होता है ये पर्सनली हम करते रहते हैं साल में 2 बार। क्यों? बिकॉज हर 6 से 8 महीने में वी सजेस्ट कि आप गट को क्लीन करते रहिए, है ना। घर भी हम क्लीन करते हैं, रोज क्लीन करते हैं घर, राइट। अपने कार की, अपने बाइक की हम मेंटेनेंस करते हैं, मे बी शायद 3 4 5 महीने में एक बार। तो वैसे ही हमारा जो ये बॉडी है, जो गट है, इसको क्लीन करना जरूरी है, टॉक्सिन फ्री करना जरूरी है, एंड दैट इज वॉट इज एग्जैक्टली गट रीसेट। ओके, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है गट रीसेट, बहुत सिंपल सा रीजन को समझने की कोशिश करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि गट का इम्पैक्ट है ना वो आपके डाइजेस्टिव एफिशिएंसी पे होता है। डाइजेस्टिव एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी खाना आपने खाया वो खाना आपके शरीर में जाने के बाद में उसके उसकी फुल उसका निचोड़ जो है, उसका एब्जॉर्प्शन जो है, जो भी उसमें पोषक तत्व है, जो भी उसमें चीजें हैं, वो वापस आए, है ना। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं या फिर कुछ बड़े भी होते हैं जिन्हें आप देखेंगे कि कोई कोई फूड मटेरियल जो है ना वो जैसा खाया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग में स्टूल में एग्जैक्टली सेम वापस बाहर निकला। मतलब अंदर ना तो वो ब्रेकडाउन हुआ ना वो टूटा, है ना। बहुत लोगों को मटर के साथ में ऐसा होता है, पीस के साथ में ऐसा होता है कभी कभी, राइट। चने कभी कभी ऐसे ही बाहर आ जाते हैं, है ना। तो ये अक्सर क्यों होता है, बिकॉज आपके डाइजेस्टिव एफिशिएंसी जो है वो सही नहीं होती, दैट्स व्हाई ये होता है। सो जब आप गट को क्लीन करते हैं गट, तो आपकी डाइजेस्टिव एफिशिएंसी है ना वो बढ़ जाती है। इम्यून फंक्शन, आपकी जो बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है गट के साथ में। क्यों? बिकॉज 70% जो आपकी गट आपकी जो इम्यूनिटी है वो गट के अंदर है। इसका क्या मीनिंग है अगले स्लाइड में आपको मैं डेफिनेटली समझाऊंगा और डिटेल में। मेंटल हेल्थ, जो मानसिक हेल्थ है हमारी, उसका भी इम्पैक्ट होता है गट के साथ में, कनेक्शन होता है एकदम जबरदस्त। आप खुद सोच के देखें, जिस दिन आपके आपका स्टमक या आपका पेट या आपकी जो गट है वो अगर डिस्टर्ब्ड है, उस दिन पे इरिटेशन लेवल बहुत हाई होता है, स्मॉल स्मॉल चीजों पे भी चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। दैट्स दिस मीन्स कि हमारा जो कनेक्शन है गट का और मेंटल हेल्थ का बहुत स्ट्रांग है। और इसका विपरीत भी होता है, इसका उल्टा भी होता है। जब आप बहुत हैवी स्ट्रेस में होते हैं तो खाना खाने की इच्छा नहीं होती और खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता है, करेक्ट। सो मेंटल हेल्थ का कनेक्शन है गट के साथ में। आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ होती है, मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी आप खाना खाते हैं वो खाने का कोई ना कोई रूप में कन्वर्जन होना अपने बॉडी में, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आपने फूड खाया, फूड को कन्वर्ट किया, उसमें अगर मान लीजिए प्रोटीन है तो प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं इंटू अमाइनो एसिड्स, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड्स फिर बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद में अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स में कन्वर्ट होते हैं, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है ये इंप्रूव होती है अगर आपका गट हेल्दी होता है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, तो शरीर में कहीं पर भी कोई ना कोई प्रकार की सूजन, इनफैक्ट गट में भी कोई प्रकार की, कहीं ना कहीं कनेक्टेड उसका कनेक्शन उसका गट के साथ में रहता है। और अगर आप अपने गट को सही रख पाते हैं तो आपके बॉडी की जो क्रॉनिक जो बार बार होने वाली सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो भी आपकी धीरे धीरे सॉल्व होने शुरू हो सकती है। आपके स्किन की हेल्थ
कभी कभी कुछ लोगों को पूरे शरीर पे बॉयल्स आते हैं, बार बार बॉयल्स आते हैं, स्किन की कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं पर अंदर से गट के साथ भी जुड़ा होता है। तो अगर आप कोई ट्रीटमेंट पे हैं, तो वो ट्रीटमेंट के साथ साथ में अगर आप गट को रिसेट कर लेते हैं, टॉक्सिन्स को फ्लश करते हैं बाहर, तो आपके स्किन भी बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हो सकता है। ऑलराइट, एंड आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है ना, कब राइट, मूड स्विंग होते रहना, है ना, एक पल में शोला, एक पल में मतलब ना ठंडा हो जाना। तो ये जो चीजें हैं, कभी कभी हमें भी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हॉर्मोन्स की जो गेम होती है ना, इसका कनेक्शन भी गट के साथ में होता है। तो देखिए आप कि गट जो है, ये बहुत सारे, अगर आप ये सब अपने गट को सही कर लें, ये सब कुछ सही हो गया, तो एक्चुअली देखा जाए तो 99% आपकी बॉडी एकदम फिट हो जाएगी, एकदम अच्छी हो जाएगी, राइट। अभी जो गट है, इसके तीन मुख्य जो फंक्शंस हैं, है ना, इसका जो तीन मुख्य काम है, बाकी सब जो हमने पिछले साइड में बताया वो भी है डेफिनेटली, मगर जो तीन मेजर काम है उसको डिस्कस करेंगे। नंबर वन, आपका डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। जो भी आप खाना खाते हैं वो आप मुंह में डालते हैं, मुंह में से चबाना शुरू होता है ना। डाइजेशन दो प्रकार की होती है, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? मैकेनिकल, जहां पर आपका जो बॉडी का जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपस में रगड़म कर रहे हैं ताकि खाना जो है वो टूटे, है ना। जैसे मुंह में आप डाला तो दांत से चबा रहे हैं आप, और आप बाद में सलाइवा मतलब थूक के साथ में अंदर लेते हैं, स्टमक के अंदर एसिड सीक्रेट होता है, एसिड भी उसको ब्रेक डाउन करता है। एसिड के बाद जब वो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहां पे है ना पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट होता है, जहाँ पे वो ऐसे ऐसे मतलब मूव करता है आपका इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, ताकि खाना जो है वो धीरे धीरे आगे मूव कर सके। और जब वो आगे मूव करता है इस चक्कर में, तो वो और ब्रेक डाउन होता है और टूटता है। तो ये इसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और सेकेंड जो होता है डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, जहां पर आपके शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो आपके खाने से मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। सो मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन जो है, ये गट का एक फंक्शन है। उसके साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, ऑल विटामिंस, ऑल मिनरल्स, जितने भी प्रोटीन या अमाइनो एसिड जो आपने लिए, फैट पोर्शन, ये सब चीजों को है ना एब्जॉर्ब करना और एब्जॉर्ब करके अपनी जगह पर पहुंचाना, ठीक है। ये गट का बेसिक एक फंक्शन है, मेजर फंक्शन है। इसके साथ साथ में जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, 70% रोग प्रतिकारक शक्ति आपके गट में है। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ये स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो गट है, आपका जो मुंह से पेट तक, मतलब सी आप अगर अगर आपको कोई डिजीज या कोई चीज अटैक करती है, तो उसके चांसेस खाने में से आपके बॉडी के अंदर अंदर लेवल तक पहुंचने के जो चांसेस ज्यादा है खाने के द्वारा, राइट। तो उसको बचाने के लिए ये शरीर की रचना है ना, गॉड ने इस प्रकार से की है कि आपके शरीर के जो 70% फाइटिंग सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम जो है, वो गट में मौजूद किया हुआ है, राइट। सो अगर आपका गट अनहेल्दी है, आपका गट सही नहीं है, ये जो इम्यून सिस्टम जो होते हैं ना, इम्यून सिस्टम के जो जितने भी अलग अलग वो टी सेल्स, बी सेल्स, जितने भी सेल्स हैं जो अलग अलग फाइटिंग सेल्स हैं हमारे, इनको इनको एक सुरक्षा कवच भी देता है गट, गट की लाइनिंग, है ना। गट के अंदर कुछ ऐसे माइक्रोबायोम्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इन इन फाइटिंग सेल्स को सपोर्ट करते हैं फाइट करने में। तो अगर आपका गट कमजोर है, तो ये फाइटिंग सेल्स जो है ना, ये सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे, और सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो आपके बीमार पड़ने की चांसेस, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यू टेंड टू फॉल सिक अगेन एंड अगेन, राइट। एंड एक और मजेदार चीज जो गट में है, वो है प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, ये वैसे वाले हॉर्मोन्स हैं जो आपके ब्रेन में काम करते हैं, लेकिन उनका निर्माण, उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो गट से शुरू होता है। अब आप सोचेंगे ये क्या बात हो गई भाई, दिमाग में काम करना है तो गट से होता, होता है ना यार। मैं रहता हूँ बोरीवली में, जॉब करता हूँ चर्चगेट में, राइट। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दूर लंबा जाके मैं काम करता हूँ, तो वैसे ही पैदा होते हैं कहीं पर, काम कहीं और करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा एक हार्मोन का, जिसे कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो हार्मोन है, ये आपके मूड को रेगुलेट करता है ना। आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं बहुत हैप्पी हूं अंदर से, बहुत अच्छा फील हो रहा है ना। तो ये आपके मूड को रेगुलेट करता है सेरोटोनिन। और मजेदार बात क्या है, 90 से 95% जो ये हार्मोन है वो गट में पैदा होता है, गट उसको पैदा करता है।
तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है गट का उसका ठीक होना या गट के ऊपर काम करना हमें, राइट। ठीक है, इसके साथ साथ में डोपामाइन करके आपने सुना होगा हार्मोन, 50% जो डोपामाइन है बॉडी में, 50% ये हमारे गट में पैदा होता है, गट में मैन्युफैक्चर होता है यहाँ से, और ये जरूरी होता है, एसेंशियल होता है फॉर मोटिवेशन, है ना। कभी कभी आप देखें लोग डिप्रेशन में जाते हैं, डोपामाइन कम हो गया, डोपामाइन बढ़ गया तो दे आर लाइक वेरी वेरी मोटिवेटेड, वाह मैं सारा काम करके दिखाऊंगा, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी अचीव कर सकता हूँ, दुनिया में क्या रखा है, बस जो आए थे बस जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे, तो ये है डोपामाइन लेवल कम होना है, राइट। सो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गट में है 50%। ओके, साथ में एक और हार्मोन है जो ब्रेन में काम करता है लेकिन उसकी जन्म होती है गट में, उसे कहते हैं गाबा, GABA। ओके, गाबा जो है इसका फुल फॉर्म है गैमा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। ओके, अब ये जो गाबा है ये आपके एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल्स को इम्पैक्ट करता है, इसको इन्फ्लुएंस करता है, इसका हाई लेवल होगा तो यू विल बी लेस एंजाइटी एंड लेस स्ट्रेसफुल, अगर तो ये उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और ये स्लीप मतलब नींद उसको प्रमोट करता है, तो जितने लोग जितना रात को लेट तक आप फोन के ऊपर होते हैं तो आपके गाबा का जो प्रोडक्शन है उसको इम्पैक्ट होता है, दैट्स वाई आदमी को तो नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती, और जितना लंबे समय तक रहेगा फोन के ऊपर और तेरा गाबा कम होगा, गाबा कम होगा तो और नींद नहीं आएगी तेरे को, बरोबर ऐसा होता है, तो ये गट के अंदर कनेक्टेड होता है। एक और होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलीन। ओके, ये एक जो हार्मोन है ये आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, आपका हार्ट भी एक मसल है, डिक 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 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक्सपैंड हो रहा है, राइट। ये मेमोरी एंड लर्निंग याददाश्त शक्ति को एनहेंस करने में इसका उपयोग होता है, एंड लर्निंग स्किल्स, है ना, कुछ लोगों को कितना भी सिखाओ कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है, ये वाला हॉर्मोन कम होता है, राइट। ठीक है, सो गट में इसका भी जन्म होता है, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो ऐसे हॉर्मोन है जो स्ट्रेस से कनेक्टेड हैं और आपके फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से कनेक्टेड है ना, कोई भी सिचुएशन आती है तो स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस के अंदर या आप भागेंगे या फिर आप फाइट करेंगे, ये जो एक डिसीजन होता है ये हार्मोन लेता है, राइट। एंड वो क्या है जी, नोरेपाइनफ्राइन एंड एपाइनफ्राइन, ये जो दो हार्मोन्स हैं इनका जन्म भी गट में होता है लेकिन काम ब्रेन में करते हैं, और वहां पे जाके ये फीलिंग जो है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, आपके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ये सब चीजें जो है ये करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गट का कितना बड़ा रोल है हमारे ओवरऑल बॉडी के ऊपर, उसको सही रखने में और ठीक रखने में, राइट। ठीक है, गट के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो ये करती हैं, उसे कहते हैं गट में होते हैं बैक्टीरिया, आपके सामने देखिए बैक्टीरिया होते हैं गट के अंदर। ओके, यहाँ तो मैंने हैप्पी हैप्पी बैक्टीरिया दिखाया हुआ है लेकिन थोड़े से मतलब डेढ़ शाने बैक्टीरिया भी होते हैं, ओके राइट, उसके अंदर जो बदला लेते हैं, ठीक है। सो देयर आर गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज, ये जो बैक्टीरिया की प्रजाति है जो अपने अंदर रहती है, इस पूरी प्रजाति को एक टर्म में कहा जाता है गट फ्लोरा। ओके, सो गट फ्लोरा जिसमें गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, एनी आइडिया कितने बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट में, किसी को कमेंट करके बताना है मैसेज करके, कितने बैक्टीरियाज होते हैं हमारे गट के अंदर, क्या लगता है कितने बैक्टीरियाज होते होंगे, 10, 15, 20, 100, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 15 लाख, कितने हो सकते हैं, या जो भी आपके मन में फिगर आता है राइट रॉन्ग आप लिखिए उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, मैं वेट कर रहा हूं, कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया सब मिला के कितने हो सकते हैं बैक्टीरिया, ऑलराइट 10,000, या आयशा फातिमा जी ने लिखा 10,000, ठीक है 10,000 बैक्टीरिया, एनीबडी एल्स वॉन्ट्स टू गेस कितने हो सकते हैं, ट्रिलियन, ओके उमेश जी ने लिखा ट्रिलियन, तो एक जगह पे 10,000 एक जगह पे ट्रिलियन, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, राइट। ठीक है, ऑल राइट, चलिए इस सस्पेंस को हम मिटा देते हैं। सो हमारा जो गट है इसमें आप अगर इसे सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे, या संगीता रंगिया जी ने लिखा मिलियंस, ऑल राइट ग्रेट, सो आप अगर देखेंगे कि ये हजारों में नहीं है, ये लाखों में नहीं है, ये मिलियंस में नहीं है, ये बिलियन ब उसमें भी नहीं है, ये ट्रिलियंस में है, लेकिन ये 20 ट्रिलियन से लेके 100 ट्रिलियन के बीच में कहीं ना कहीं पर आपके गट के अंदर है, 20 से ट्रिलियन। सो कहीं कहीं पर तो हमने ये भी देखा है
हमने कहीं कहीं पर तो ये भी देखा है कि ऐसा कि आपके बॉडी के जो बॉडी में जितने सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उसका 10 टाइम्स बैक्टीरिया आपके गट में होते हैं। और ये जो गट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, इनकी जो प्रजाति होती है, ये 500 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की प्रजाति गट के अंदर होती है ना। एक है गुलाब, रोज, रोज की प्रजाति, आप 12-13 अलग अलग कलर के गुलाब मार्केट में या पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं, उसे कहते हैं कि गुलाब की 12 प्रजातियां हैं। गट के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया की 500 प्रजातियां हैं हमारे गट के अंदर, 500। और ये प्रजातियां जो नेचर ने या भगवान ने या गॉड ने जो हमें दी हैं हमारे गट के अंदर, इन सबका कनेक्शन हमारे शरीर के कोई ना कोई हार्मोन के साथ में है, उसके रख रखाव के साथ में है, चलने फिरने के साथ में है। और ये दोनों हमें चाहिए होते हैं एक संतुलित, एक बैलेंस रूप में। सारे गुड भी चाहिए, बैड भी चाहिए, सब चाहिए बैलेंस में। खाली गुड होगा तो भी नहीं चलेगा, खाली बैड होगा तो भी नहीं चलेगा, इट हैज टू बी अ बैलेंस। ओके, सो वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई 85% गुड बैक्टीरिया होने चाहिए और 15% बैड बैक्टीरिया होने चाहिए, दैट्स अ राइट बैलेंस टू हैव। और जब हमें डिसबैलेंस हो जाता है तो तब जाके हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती है। ऑलराइट, अभी या सो ये जो डिसबैलेंस होता है तो उससे कैसे मालूम पड़ता है जी अनहेल्दी गट क्या है और हेल्दी गट क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अगर आपका गट कोई भी फूड के लिए सेंसिटिव है ना, वो खाने के बाद इरिटेशन शुरू हो जाता है गट के अंदर, तकलीफ शुरू हो जाती है, जुलाब शुरू हो जाते हैं, बार बार हो रहा है ये, तो आपका वो गट अनहेल्दी है, अदरवाइज वो हेल्दी है इफ इट कैन टॉलरेट मोस्ट फूड्स। अगर हर एक खाना खाने के बाद आपको ब्लोटिंग होती है, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, या अगर हर एक खाना खाने के बाद आपको ब्लोटिंग फील होती है ना, स्टमक फूला फूला सा लगता है, टाइट लगता है, ये अनहेल्दी गट की निशानी है। आपके स्टूल इनकंसिस्टेंट है ना, कुछ फिक्स नहीं है, कभी सुबह 8 बजे जाता हूँ वॉशरूम, कभी तो सुबह आता ही नहीं है तो मैं दोपहर को 2 बजे जाना पड़ता है, कभी कभी तो रात हो जाती है, कभी 2 दिन तक नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड अनहेल्दी गट। गैस बनती रहती है बार बार, अधिक मात्रा में गैस बनती रहती है, दैट्स कॉल्ड अनहेल्दी गट। आप खाना खाने के बाद या खाना खाते वक्त आप अच्छा फील नहीं करते, ये निशानी है अनहेल्दी गट की। आपका स्किन जो है वो इनबैलेंस होता है, एक्जिमा, एक्ने, कोई ना कोई स्किन की तकलीफें या प्रॉब्लम्स आपको आती रहती है, दैट्स कॉल्ड अनहेल्दी गट। आपके स्लीप जो है, नींद, ये डिस्टर्ब रहती है ना, सही नहीं चल पाती, सही नहीं होती, ठीक है, आप रात भर करवटे बदलते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड अनहेल्दी गट। कॉन्स्टेंट फटीग रहता है, टायर्डनेस रहती है, पूरा दिन भर के अंदर काम नहीं किया तो भी थकावट, ये क्या बात हो रही है भाई बॉडी के अंदर, दैट्स कॉल्ड अनहेल्दी गट, है ना। गट सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, सेहतमंद नहीं है, मेंटल हेल्थ इम्बैलेंसेस होता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, कभी कभी गफलत में रहते हैं, अरे कहाँ पर पहुंच गया, अचानक से कुछ समझा ही नहीं, कोई चीज कहीं रख दी, अभी तो रखी थी कहाँ चली गई, ये जो चीजें होती है बॉडी के अंदर, दैट्स अ सिंबल और सिम्टम कि आपका गट जो है वो अनहेल्दी है। और आपको अगर रोग प्रतिकारक, मतलब रोग जो है, डिजीज जो है, ये अगर बार बार हो रही है तो ये भी एक अनहेल्दी गट की निशानी है, राइट। सो अगर आप में कोई इसमें से कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि अनहेल्दी गट है, एंड इसको ठीक करना हमारा पहला कर्तव्य है, पहला फर्ज है, राइट। अभी की कॉम्पोनेंट्स क्या है जी ये गट रीसेट करने के, या हमारे इस प्रोग्राम के, जिस प्रोग्राम के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, गट रीसेट को जो की कॉम्पोनेंट्स है, राइट, इसके अंदर सबसे पहली चीज जिस पे फोकस करना होता है वो होता है डाइटरी चेंजेस, खाने पीने में कुछ बदलाव करने होते हैं, कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। एक्सरसाइज बहुत जरूरी रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई रिजाइन फॉलो करते हैं, अगर खाली आप वॉकिंग भी करके आते हैं वो भी एक एक्सरसाइज है, वॉकिंग इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज एंड वेरी इनएक्सपेंसिव एक्सरसाइज। ओके, अगर आप वो भी शुरू कर देते हैं एवरीडे बेसिस के ऊपर कि मैं आधा घंटा तो चल के आऊंगा ही आऊंगा, आऊंगी ही आऊंगी, राइट, तो वो भी बेसिकली आपके गट को सपोर्ट करेगा हेल्दी रहने में, गुड बैक्टीरियाज को पैदा करने में सपोर्ट करेगा। मेडिटेशन करना है ना, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है जी, एक अच्छा सा अच्छा म्यूजिक चालू कर लीजिए और एक शांत जगह पर जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, 15 मिनट 20 मिनट, है ना, आप आपके मोबाइल फोन से आप कान में वो लगा लीजिए अपना ईयरफोन, एक बहुत शांत म्यूजिक जो आपको अच्छा लगता है, कहीं बैठ जाइए और बैठ के अपने ईश्वर को याद करिए, या फिर आपको लगता है तो कोई ऐसी जस्ट बैठ जाइए बस, है ना, और कोई थॉट दिमाग में आने मत दीजिए, दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन। तो मन को शांत करना, दिमाग को शांत करना, बिकॉज मन का कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन है गट के साथ में, है ना,
गट को हमारे शरीर का सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, सेकंड ब्रेन ऑफ अवर बॉडी इज गट। ओके, सो ये चार कंपोनेंट्स हैं जिसके द्वारा आप अगर जाते हो तो गट रीसेट का एक प्रोग्राम आप अपने लिए बना सकते हो और आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अभी जो फूड है जो आपने गट रीसेट करते वक्त 10 दिन हो या 15 दिन हो, जब भी आप करते हैं गट, तो आपने क्या खाना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि डेली बेसिस पे फर्मेंटेड फूड जो है ना ये आपके थाली में हो। फर्मेंटेड फूड का मतलब क्या होता है, वो फूड है ना जो फर्मेंट किया हुआ है, जो काफी समय से रख के, मतलब जैसे डोसा हो गया, इडली हो गया, राइट। तो इस प्रकार के जो फूड हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, और जितना ज्यादा हो सके वेजिटेबल्स आप खाइए जो पके हुए, मतलब कुक्ड वेजिटेबल्स है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाजर है, तो गाजर को आप रॉ मत खाइए गट रिसेट प्रोग्राम के दौरान। ओके, बीटरूट को रॉ मत, उसको उबाल के खाइए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। क्यों? बिकॉज इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और एंटी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे गट की जो लाइनिंग है उसको इरिटेट करते हैं, और जो भी फूड उसको करेगा इरिटेट वो सही नहीं करेगा, मतलब वो गट को रीसेट होने नहीं देगा, सो टॉक्सिन्स बनते रहेंगे बार बार। दैट्स व्हाई वेजिटेबल्स जो है ये होने चाहिए कुक्ड। स्टार्ट योर डे विथ फैट। फैट मतलब जैसे अगर मान लीजिए घी है, 1 चम्मच घी से शुरू करिए, 1 गिलास पानी और 1 चम्मच घी शुरू करिए, बिकॉज आपकी जो गट है इसको ना हम कहते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं खुश्की दूर करना, ड्राइनेस जो है गट की उसको दूर करना। ठीक है, सो आपको वो करना होगा कि भाई फैट से शुरू करेंगे तो दैट विल हेल्प यू। इवन 1 चम्मच कोकोनट ऑयल आप सुबह ले सकते हैं मॉर्निंग में स्टार्ट करने वक्त करते वक्त। ठीक है, सो दैट विल बेसिकली हेल्प टू गिव अ गुड स्टार्ट इन द मॉर्निंग गट रीसेट के लिए। ओके, और जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड वेजिटेबल्स, कार्बोहाइड्रेट्स में आपका चावल आ गया या फिर आप रोटी खा रहे हैं वो आ गया, ये जो रेशियो होता है ये 1:3 का होना चाहिए। हमारी मील प्लेट्स अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर उल्टा होता है, एक कटोरी अगर हम सब्जी ले रहे हैं तो हम 3 गुना ज्यादा रोटी खाते हैं, है ना। रोटी का टुकड़ा बड़ा होता है, थोड़ी सी सब्जी होती है। गट रीसेट करते वक्त उल्टा करना होता है, सब्जी ज्यादा खानी होती है बिकॉज हमारे बॉडी को फाइबर ज्यादा चाहिए होता है ना, तभी तो टॉक्सिन्स बाहर निकालेगा ना गट में से, और फाइबर सबसे अधिक मात्रा में सब्जियों में मिलेगा। दैट्स व्हाई सब्जी की मात्रा आप बहुत ज्यादा या बहुत अधिक रखें, दैट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, सो इसका रेशियो 1:3 होना चाहिए। एंड आप चाहें तो एग्स ले सकते हैं गट रिसेट के दौरान। सो ये बेसिकली कुछ फूड्स हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं ड्यूरिंग योर गट रिसेट प्रोग्राम। क्या अवॉइड करना है, किसी भी प्रकार का शुगर जो है वो अवॉइड करना है गट रिसेट करते वक्त। कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं और कोई नेचुरल शुगर भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि गट रिसेट करते वक्त आप फ्रूट्स जो है उसको भी कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर आप फ्रूट्स कंज्यूम करना चाहते हैं, फल कंज्यूम करना चाहते हैं, तो आपको फ्रूट्स को फैट के साथ में मिक्स करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मैंगो खाना चाहता हूँ तो मैं मैंगो को काटूंगा, लेकिन मैंगो के साथ में मैं एलमंड जो है, बादाम जो है, उसको मैं छिल के दोनों को मिक्स करके मैं खाऊंगा साथ में। इससे क्यों, क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है? खाली फ्रूट खाने से आपका शुगर स्पाइक होता है, बहुत स्पाइक होता है। ठीक है, और आप जब उसके साथ में फैट मिक्स कर देते हैं तो वो शुगर स्पाइक कम होता है। तो दैट बट यूजुअली अगर आप अवॉइड करेंगे फ्रूट ड्यूरिंग 10-12 डेज गट रीसेट, बिकॉज मीठा है, और मीठा जितना भी मीठा होता है ये बैड बैक्टीरिया के दोस्त होते हैं। बैड बैक्टीरिया को पसंद है मीठा। ओके, सो इनको पसंद है कार्बोहाइड्रेट, है ना। किसी भी प्रकार का मैदा हम मना कर देते हैं मत खाइए, किसी भी प्रकार का वीट आटा जो है हम मना कर देते हैं मत खाइए, बिकॉज इट्स नॉट इन नॉट इट हैज गॉट ग्लूटिन। आटे में ग्लूटिन होता है, ग्लूटिन करता है इरिटेट हमारे गट के लाइनिंग को और गट रिसेट होने से रोकता है। रिफाइंड ऑयल कोई भी प्रकार का हो हम मना कर देते हैं, खाली कोकोनट ऑयल जो है वो आप यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी का कोकोनट ऑयल, बट रिफाइंड ऑयल जो है दैट इज अ नो नो, इट्स नॉट अलाउड ड्यूरिंग गट रीसेट। आप वो अवॉइड करेंगे 10-12 दिन, बिकॉज तभी जाके, बिकॉज क्या रिफाइंड मतलब क्या, केमिकल प्रोसेस से गुजरा हुआ तेल, केमिकल्स के द्वारा बनाई हुई सब्जियां हो जाती हैं, तो वो आपके गट में जाकर और पॉइजन क्रिएट करती हैं। ठीक है, मिल्क और पनीर हम मना कर देते हैं गट के टाइम पर, रिसेट के टाइम पर, राइट। ये मिल्क एंड पनीर इज नॉट, दाल नो, दाल इज नथिंग, इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है दाल के अंदर, दाल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको मना कर देते हैं। लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स, राइट, किसी भी प्रकार के जैसे छोले हो गए, राजमा हो गए, ये भी हम मना कर देते हैं। और लेग्यूम्स अंकुरित चीजें जो होती हैं, है ना, कणधान्य जिसे हम कहते हैं, हम इसको भी मना कर देते हैं, आप नहीं खा सकते इसको, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ये अवॉइडेबल है,
यू डोंट हैव टू कंज्यूम व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द गट रीसेट प्रोग्राम। ओके, एक और चीज जिसके ऊपर आपको फोकस करना होता है गट को रिसेट करने के लिए, वो 10-12 दिन या फिर आप लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, उसे कहते हैं सर्कैडियन साइकिल। ये बॉडी साइकिल भी आप कह सकते हैं इसे। बॉडी साइकिल का मतलब और सर्कैडियन साइकिल का मतलब क्या है कि आपका जो शरीर है वो दिन में 3 काम करता है ना, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन एंड डाइजेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो भी पूरे दिन भर में खाना खाया है वो खाने से जो पोषक तत्व मिले हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, सही जगह पर सही चीजों को। आंख बोलती है वो टाइम पर कि मेरे को 2 विटामिन सी देना, 2 विटामिन बीटा कैरोटीन देना और 4-5 अमाइनो एसिड देना, तो बॉडी उसको वो प्रोवाइड करते हैं। बॉडी के सभी पार्ट्स न्यूट्रिएंट्स मांगते हैं, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एलिमिनेशन मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी में से सब कुछ बाहर निकल रहा होता है वो टाइम पर। डाइजेशन मतलब हजम हो रहा होता है, डाइजेस्ट हो रहा होता है। आप देखिए डाइजेशन के टाइम पर अगर एलिमिनेशन का प्रोसेस चालू करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है बॉडी में, और एसिमिलेशन के टाइम पर खाना खा लोगे डाइजेशन चालू कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बॉडी के अंदर। इसकी ये टाइमिंग्स है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो दोपहर को 12 बजे से रात को 8 बजे तक ये राइट टाइम है खाना खाने का। डाइजेशन इस टाइम पर ज्यादा होता है, स्पीड में होता है, अच्छा होता है। रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक एसिमिलेशन होता है, ठीक है। अब आप बोलते हैं कि सर मैंने तो रात को 10 बजे खाना खाया। 10 बजे आपने खाना खा लिया तो खाना आपको, अगर आप 12 से 8 बजे के बीच में खाते हैं खाना तो वो 1 घंटे में हजम हो जाता है, लेकिन जब आप रात को 8 बजे के बाद खाना खाते हैं 10 बजे 11 बजे तो उसको 2 घंटे लगते हैं। और सोने पे सुहागा कभी कभी क्या करते हैं जी, 9 बजे खाना खाते हैं 11 बजे आइसक्रीम खाते हैं राइट, नेचुरल आइसक्रीम, ठीक है। तो इससे क्या होता है 2 और 4 घंटे, मतलब क्या हुआ कि आपका जो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो काम चल रहा था बॉडी में वो 4 घंटे बंद हो गया, 2 घंटे बंद हो गया, 3 घंटे बंद हो गया। तो आपके बॉडी के अंदर खाना खाने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होकर लीवर तक पहुंचता है, लीवर के अंदर बैठे हुए हैं सारे विटामिन और सारे मिनरल्स। आप बोलते हैं सर मैं तो सप्लीमेंट भी खाता हूँ, वो सप्लीमेंट के भी जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो लीवर में बैठे हुए हैं और वो रात को 8 बजे का वेट कर रहे हैं कि जैसे ये चालू होगा एसिमिलेशन हम लीवर से बाहर निकलेंगे और बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंच जाएंगे। आपने खाना खाया रात को 10 बजे, 8 से 10 2 घंटा बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 10 से 12 2 घंटा डाइजेशन चालू हो गया, तो बॉडी ने एसिमिलेशन बंद कर दिया। बॉडी ने एसिमिलेशन बंद कर दिया तो 2 घंटा वो न्यूट्रिएंट्स बेचारे बैठे हुए हैं, तो पूरे 8 घंटा एसिमिलेशन, 2 घंटे फैक्ट्री बंद है, 6 घंटे चलेगी, 2 घंटे के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीवर में पड़े रहेंगे, अगले दिन एक्सपायर हो गए, बाहर निकालने पड़ते हैं बॉडी को। आपके महंगे महंगे सप्लीमेंट भी वेस्ट हो जाते हैं, आपका इतना महंगा महंगा फूड आप खरीद के लाते हैं उसका न्यूट्रिएंट भी वेस्ट, दो पूरे पूरा एब्जॉर्ब ही नहीं होता बॉडी के अंदर। दैट्स व्हाई 8 बजे से पहले खाना खाना। सर कैसे खा सकते हैं, ये आपका लुकआउट है, मेरा लुकआउट नहीं है, मैंने आपको बताया मेरे को भी प्रॉब्लम था, हमने इसको चेंज किया। यू हैव टू चेंज राइट। सी दो ही हैं, आदमी फियर में चेंज होता है या फेथ में चेंज होता है ना। जब डॉक्टर कहेगा अगर अभी तो 8 बजे से पहले नहीं खाना खाएगा तो 6 महीने में ऊपर निकल जाएगा, तो अपने आप चेंज होगा, कितना भी बिजी आदमी हो, उस समय का वेट करना है तो वेट करो, नो प्रॉब्लम, 2 साल 5 साल 10 साल का भी तो नंबर आएगा और डॉक्टर बोलेगा 8 बजे से पहले खाना खाओ, ठीक है, बट यू हैव टू चेंज राइट। तो सर्कैडियन साइकिल है जिसको हमको फॉलो करना होता है आपको। आप जब सी ये जो पूरी चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की, ये चीजों को है ना फॉलो करने के लिए, सब चीजों को करने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, और ये डिसिप्लिन करने के लिए हमारी जो एक कम्युनिटी है जिसे कहते हैं हम लोग आरोग्य वेव, पावर्ड बाय वेलनेस विला। सो आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला ये 2 कम्युनिटीज हैं जो हेल्प करती हैं आपको। वेलनेस विला जो है इसका इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इसका पेज है, और आरोग्य वेव जो है ये इट इज ऑन व्हाट्सएप, ओके। और ये जो ग्रुप है हमारा, इसमें जब आप आते हो तो हम आपको इसमें एंट्री देते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनते हैं, तो वहां पे आप अपनी मील प्लेट शेयर करते हैं। लोगों की मील प्लेट्स है ना वो धीरे धीरे आती हैं उसके अंदर। हमारे जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी मील प्लेट शेयर करते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, वो रेकमेंडेशन होता है। जैसे यहाँ देखेंगे आप, यहाँ लिखा है मेरा नाम अर्चना लश्कर है, मुझे 8 दिन का इनका प्रोसेस ब्लड रिसेट का हुआ, मुझे 8 दिन में शरीर बहुत हल्का महसूस लग रहा है और 1 किलो वजन भी मेरा कम हो गया है राइट। तो इस प्रकार के एक कांस्टेंट फॉलोअप्स एंड कांस्टेंट चीजें जो है इस ग्रुप में, एक मोटिवेशन जो है वो बना रहता है। आप बोलेंगे मैं अकेले कर लूंगा, अकेले कर लूंगी, हो सकता है अकेले भी, लेकिन अकेले करने में बहुत मेहनत लगती है। जब आप ग्रुप में करते हैं साथ में,
जब आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, एक दूसरे को मोटिवेशन, एक दूसरे को है ना पीठ थपथपाते, वाओ लेट्स डू इट, हम कर सकते हैं। कभी हम डिमोटिवेट होते हैं, मेरे से नहीं हो रहा तो वो कर रहा है, अरे वो कर रहा है तो मैं भी करूंगी करूंगा, ऐसे करके मोटिवेशन बन जाता है। दैट्स हाउ द माहौल सेट होता है, डेवलप होता है, राइट। मैं कुछ आपको टेस्टिमनी सुनाना चाहूंगा हमारे ये हैं, एक मिनट, ये डॉक्टर मनीष हैं। तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम डॉक्टर मनीष यादव है और बाय प्रोफेशन मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। गट रीसेट के बारे में मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। गट रीसेट प्रोग्राम मिस्टर अंकुर रंजन के मार्गदर्शन में मैंने इसको पूरा किया और ये 10 डेज का जो प्रोग्राम था ये बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम था। मुझे इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। एक सबसे अच्छा बेनिफिट जो मैं मुझे मिला, मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि मेरा चाय छूट गया। मैं कई सालों से सोच रहा था कि मुझे चाय छोड़ना है बट मैं वो छोड़ नहीं पा रहा था, तो ये गट रीसेट की वजह से मैं चाय छोड़ पाया। मेरा जो बॉवल मूवमेंट्स है वो कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता था, वो बॉवल मूवमेंट पूरी तरह से हट गया और मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मुझे ना कंपल्शन है, अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो मैं कैसे मेरा दिनचर्या चलाऊंगा। मेरा बहुत हेक्टिक लाइफ है, सुबह से लेकर शाम तक मुझे बहुत भाग दौड़ रहती है, तो मैं कभी भी डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। बट गट रिसेट में अंकुर जी ने सपोर्ट किया, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और वो कॉन्सेप्ट तो ज़बरदस्त है ही, बट उसको फॉलो करने के बाद आई एम रियली थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। सो ये प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त है। जो भी अपने हेल्थ को स्टार्टअप करना चाहता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना चाहता है, आई थिंक गट रिसेट इज़ द थिंग दैट आपको फर्स्ट स्टेप उसके ऊपर लेना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि सारी बीमारियाँ गट से शुरू होती हैं, सारी डिस्कम्फर्ट गट से शुरू होती है और क्योर भी गट से ही शुरू हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट डॉक्टर मनीष थे एंड देन वी हैव वन मोर टेस्टिमनी आपके सामने। गुड इवनिंग, मेरा नाम नीलिमा मालवे है। बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। यस, गट रीसेट प्रोग्राम के बारे में मतलब सोचा कैसे, जैसे थोड़ा सा पुराने जमाने के लोग कहते हैं ना कि मतलब जिसका डाइजेशन अच्छा तो सब कुछ अच्छा होता है। तो मुझे थोड़े बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि पैरों में बहुत दर्द होता रहता था और मतलब मॉर्निंग में ही है ना मेरी एनर्जी लेवल डाउन ही रहती थी। मतलब उठने के बाद भी मुझे ऐसा रिफ्रेश वगैरह फील नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं तो मैंने सोचा कि मतलब गट के बारे में या फिर अपना डाइजेशन अच्छा करने के बारे में, और फिर मेरे एक लेकिन मुझे मतलब जरिया पता नहीं चल रहा था कि क्या करूँ कैसे। तो एक वेल विशर है, उन्होंने वेलनेस विला के बारे में बताया और जब मैं इस गट रीसेट प्रोग्राम में इंक्लूड हुई ना, तो शुरू के 4-5 दिन में ही मुझे अपने अपने बहुत अच्छे चेंजेस दिखने लगे। जैसे मेरा स्टेमिना बढ़ गया, जो मैं कह रही थी कि मतलब बहुत फटी कैसा लगता था मुझे मॉर्निंग में ही, तो वो सब फील होना बंद हुआ। और मैं अभी रिसेंट का मेरा मतलब एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि 2 दिन हम लोग घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ पे बहुत चलना था और मतलब मेरे हस्बैंड और बेटी से ज्यादा मैं अपना स्टेमिना मतलब मेरा स्टेमिना मेंटेन रह रहा था वहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। यस, और इवन मैंने हाँ 1 kg मतलब लूज भी किया है अपना वेट, तो वेट लॉस जर्नी में के लिए भी मुझे हेल्प हुआ है उसका। यस, और इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मतलब गट रिसेट के बारे में सोचना चाहिए अपने, और सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। थैंक यू। एक और मतलब बात मैं बताना चाहूंगी कि मतलब ना यहाँ पे मुझे नॉलेज भी इतना ज्यादा मिला है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है हमें कि हेल्दी, ऑब्वियसली वो हेल्दी होती है, लेकिन वो कौन से टाइम पे खानी चाहिए या किसके साथ कॉम्बिनेशन करके खानी चाहिए। तो चेरी जी ने उसके लिए ना हम लोगों को मतलब बहुत अच्छे से गाइड किया है और मतलब विथ नॉलेज बताया है कि वो कैसे करना है और क्यों करना है। तो मतलब बहुत सारे मेरे ये थे कि मतलब जैसे फ्रूट्स तो हेल्दी होता है ना, तो क्यों नहीं खाना चाहिए करके। तो उन्होंने बताया कि तुरंत शुगर स्पाइक होता है उससे, तो मतलब वो कैसे कॉम्बिनेशन करके खाना चाहिए वगैरह। तो मेरे नॉलेज में भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है गट रीसेट प्रोग्राम की वजह से। थैंक यू।
ऑलराइट, सो यहाँ पे एक और टेस्टिमनी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम गीता शिंदे है, मैं मुंबई वसई से हूँ। जैसे कि मेरा अभी 1-1.5 महीने पहले सीआरपी टेस्ट पॉजिटिव आया था, और उसके बाद मेरा फीवर ही कम नहीं हो रहा था, फिर टाइफाइड भी पॉजिटिव था, बहुत ही वीकनेस था, 1 महीने से मुझे बुखार चालू था, ट्रीटमेंट शुरू था। और उसके दौरान जिन डॉक्टर साहब से मैं ट्रीटमेंट कर रही थी, वो वेलनेस विला कम्युनिटी से अटैच है और आरोग्य व्यवसाय, तो उन्होंने मुझे काफी सारी जानकारी दी उसके बारे में। तो मुझे भी लगा कि हाँ, जैसे कि कोविड के बाद हम बहुत सारे लोग जानते हैं ना कि अपनी सेहत के बारे में बहुत लोग जानकारियां मिला रहे कि कैसे हेल्दी रहना है, क्या खाना है वगैरह, वैसे तो मुझे भी लगा कि हाँ यही सही टाइम है। जैसे कि हमारी सारी बीमारियों की जड़ तो हमारा पेट ही है, तो अगर ऐसे भी कोई गट रिसेट कोई है प्रोग्राम, ये मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने जब बताया तो मुझे लगा कि हाँ मुझे ये अभी करना चाहिए, अभी ये सही समय है, क्योंकि मैं 1 महीने से झेल रही हूँ कि मैं कितनी बीमार हूँ वगैरह सब। तो मैं उस प्रोग्राम जो आरोग्य वेव कम्युनिटी से ज्वाइन हुई, और जैसे कि अंकुर जी और चेरी मैम की हेल्प से मैंने वो कंप्लीट किया। और जैसे ही मैंने किया कि मुझे बहुत काफी अच्छा फील हुआ, जैसे कि मुझे बहुत वीकनेस आया था, लेकिन वो प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा। और बोलते हैं ना कि एकदम जब भी हम बीमार होते हैं तो मूड वगैरह एकदम खराब होता है और काफी परेशानी होती है, लेकिन उससे आहिस्ता आहिस्ता मैं बाहर निकली। और जैसे कि मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा था उसी दौरान ना, तो जो हमारा गट रिसेट के प्रोग्राम के दौरान एक्सरसाइज सुबह जो हम करते थे टाइम से, तो उससे वो भी दूर हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी सप्लीमेंट्स जो सर बोले थे मुझे कि आप प्रोटीन्स लो, मल्टीविटामिन लो, वो भी मैंने शुरू की, और इस प्रोग्राम से मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अंकुर जी का और तेरी मैम का, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारा मेरा नॉलेज बढ़ाया, और मैं चाहती हूँ कि मेरे तरह से काफी लोग इस कम्युनिटी से ज्वाइन हो और इसका फायदा ले। सो थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। ये हैं चेरी जी, हैं चेरी मैनी, ये लुधियाना से बिलोंग करती हैं और ये हमारी टीम का बहुत ही अहम हिस्सा है आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला का, बिकॉज शी इज अ न्यूट्रिशन कंसल्टेंट। आप जब इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, आप जब इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको चेरी जी हैं ये आपको इंस्पायर करेगी, आपके मील प्लेट्स को चेक करती हैं, उनमें एडवाइस देती हैं आपको, आप क्या सही खा रहे हैं, क्या रॉन्ग खा रहे हैं, है ना। सो वो मील प्लेट्स के ऊपर वर्क करती हैं आपके साथ में। इन्होंने अपना सर्टिफाइड न्यूट्रिशन बना, एडवाइजर है फ्रॉम NFNA, नेशनल फिटनेस एंड न्यूट्रिशन अकेडमी जो है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वहां से इनका ये सर्टिफिकेशन है। एंड ये सब हमें गाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से आपको भी, कि कैसे आप इसको कर सकते हैं, राइट। इनफैक्ट ये इस वक्त जो एक गट रिसेट प्रोग्राम चला रही है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोगों के साथ में, वहाँ के कुछ जो क्लाइंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स, उनके साथ में ये वर्क कर रही है पर्सनल लेवल पे। सो ऐसे इनका बहुत, मतलब इंडिया और आउट ऑफ इंडिया बहुत जगह पे इनका नाम है, एंड शी विल बी हेयर विद अस। ऑलराइट, सो अभी आपका अगला स्टेप क्या है कि एक जूम हेल्थ काउंसलिंग बुक करिए आप हमारे साथ में ऑन जूम, राइट। और आप हमारे साथ में अपना एक HRA, हेल्थ रिस्क असेसमेंट जो है, वो आप करवा लीजिए। जब आप ये दो चीज करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमें आपके लिए एक डाइट रिकमेंडेशन प्रोग्राम जो है वो डिजाइन करने में हेल्प मिलती है, और जिसके बाद में फिर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने अभी आगे क्या करना है। हमारा अगला बैच जो है वो 16 जून से शुरू होने वाला है, इट इज अवर बैच नंबर 4। हम सिर्फ 10 लोगों के, एक एक बैच में 10 लोगों को ही रखते हैं, बिकॉज वो काम करना आसान होता है। अगर वो बैच फुल हो जाता है, तो फिर हम अगले बैच में का उनको वेट करने के लिए कहते हैं। एंड इसका सबसे खास बात यह है कि एवरी डे बेसिस के ऊपर आपको एक एक्टिविटी रिपोर्ट कार्ड मिलता है। आप पूरे दिन में जो एक्टिविटी करते हैं, आप हमें वो बताते रहते हैं, वो एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में आप तक पहुंचती है, विद अवर सजेशंस, ऑब्जर्वेशंस, एवरी डे बेसिस के ऊपर फॉर 10 डेज, राइट। एंड आपकी वीडियो काउंसलिंग होती है हर 14 दिन के अंदर, कि 4 3 दिन हो गए तो 4th डे पे काउंसलिंग करेंगे, 3 दिन में क्या हुआ, कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, उसमें क्या चेंजेस करना चाहिए। तो ये एक फॉलोअप जैसा सिस्टम जो है ये रहता है हर 4th डे के ऊपर, ठीक है। सो ये हमारा एक इन शॉर्ट आज का ये प्रेजेंटेशन था, आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आप चाहते हैं, तो मैं अभी चैट के माध्यम से आपको एक लिंक भेज रहा हूँ गूगल फॉर्म का, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। ऑलराइट, एंड
ठीक है, तो ये मैंने भेज दिया, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना नाम उसमें लिख सकते हैं डिटेल्स, एंड हमारी तरफ से आपको फोन कॉल आएगा और फिर आपसे फिर आगे की जो कार्रवाई है, वन ऑन वन अपॉइंटमेंट जो है आपसे जूम के ऊपर वीडियो कॉल पे वो बुक किया जाएगा फॉर दी फर्दर दिस थिंग, राइट। अगर आप ऐसे किसी का कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, आप चैट में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वीडियो पे अगर आप मतलब पूछना, हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑल्सो इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन। कोई सवाल है किसी का? मीनवाइल कोई सवाल अगर पूछ रहा है तो आप स्माइल करिए, मैं एक फोटो ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मेरे लैपटॉप के ऊपर, राइट। सो प्लीज स्माइल एवरीवन, 1 2 3, ओके, यस, थैंक यू सो मच, ऑल राइट। या कोई सवाल है किसी का? ठीक है, सो आपके पास में वो लिंक अभी आ गया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर दी बैच, एंड देन हम आपको मिलेंगे वन ऑन वन जूम के ऊपर और फिर आगे की बात वहां पर करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा, उसमें एक अनाउंसमेंट ग्रुप है जहाँ पे मतलब जो नॉन रजिस्टर्ड लोग हैं वो भी उसमें रह सकते हैं फॉर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, राइट। सो मेरा मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज सकते हैं तो मैं आपको उसमें ऐड कर सकता हूँ, 9 3 2 3 7 9 3 2 3 7 1 9 9 0 9, 9 3 2 3 7 1 9 9 0 9, अंकुर रलहन, ऑल राइट, RALHAN, ओके। सो नीलिमा मालवे जी का, या आइडियली हमें कितने गैप के बाद ग्रेट रिसेट प्रोग्राम करना चाहिए? आइडियली 6 से 7 महीने के बाद करना चाहिए, बिकॉज टॉक्सिन्स डेवलप हो ही जाते हैं कुछ ना कुछ करके, बिकॉज स्ट्रेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी फैमिली का स्ट्रेस होता है, कभी जॉब का स्ट्रेस होता है, कभी इनकम का स्ट्रेस होता है, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, राइट, कभी बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, वी डोंट नो, है ना, कभी मेरा पड़ोसी क्या सोच रहा है, पड़ोसन क्या, घर में क्या हो रहा है, तो बहुत स्ट्रेस होते हैं अलग अलग प्रकार के, चलते रहते, दिमाग घूमता रहता है, तो इसलिए 6 7 महीने के अंदर वो टॉक्सिन्स बन ही जाते हैं, तो उसको आपको ठीक रखना चाहिए, ऑल राइट, ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द वंडरफुल पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, ओके, एंड आपको जो लिंक मिला है तो वहां पे एक फीडबैक फॉर्म आएगा इस सेशन का, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, बिकॉज उससे हमें हमारे फ्यूचर प्रोग्राम्स को डिजाइन करने में हेल्प मिलती है, थैंक यू सो मच, यस।